नमस्कार उत्तराखंड, मैं भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी आज आपका वीडियो वीपीडियो परीक्षा में जो हमने लगातार मुहिम छेड़ी है एक और कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीपीडीओ परीक्षा में पीआईएल का ड्राफ्ट, उसकी क्या अपडेट है, उस पर भी मैं बात करूंगा पार्ट टू में। लेकिन उससे पहले आज मैं चंपावत चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी की जीत और लोकतंत्र की हार का एक विश्लेषण आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोस्तों, इस बारे में कोई शक नहीं कि धामी जी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन इस बात पे भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड में धामी जी की जीत के साथ लोकतंत्र का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से सत्ता बल, बाहुबल, धन बल का उपयोग नृशंसतः और क्रूरतम स्थितियों के साथ उपयोग किया गया, पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में ऐसा लोकतंत्र में जो तानाशाही तंत्र का नंगा नाच था, आज से पहले सदा सर्वदा सतदा सहस्त्रदा कभी भी न भूतो न भविष्यति प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आप अपनी तर्क बुद्धि का हिसाब लगाइए। एक कोई चुनाव में लड़ने वाला प्रत्याशी जिस क्षेत्र पर उस प्रत्याशी ने 15 या 20 साल काम किया, दावा किया कि मैंने लोगों का विकास किया है और वहां की जनता उस प्रत्याशी को हरा देती है, फिर अचानक से वो एक दूसरी सीट पे जाता है और उस सीट का राजनीतिक अंतर भी केवल 4,500 वोट का था, लेकिन इस 4,500 वोट के अंतरों को बगैर कोई ठोस काम किए वो प्रत्याशी 55,000 तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। जबकि इस बीच सरकार ने कई घोटालों में नाम आया, वीडियो वीपीडीओ को लेकर के बच्चों में नाराजगी थी, कई जरूरतमंद लोगों के राशन कार्ड भी छीन लिए गए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सरकारी नौकर वालों के राशन कार्ड छीने गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के छीने गए, बड़े बड़े घर वालों के छीने गए, ठीक था, लेकिन कई अन्य लोगों के राशन कार्ड भी छीन लिए गए। क्योंकि नियम ऐसे बना दिए गए कि अब वो बीपीएल और अंत्योदय की श्रेणी में लगभग कोई नहीं आएगा पूरे उत्तराखंड में, ऐसी स्थिति बना दी गई है, ऐसी शर्तें लाद दी गई। लेकिन ऐसी पॉलिसीज के बावजूद भी ऐसी प्रचंड जीत बिना सत्ता बल, बिना धन बल और बिना बाहुबल के उपयोग के कभी भी कभी कहीं भी संभव नहीं दिखाई देती है, ये बात आज समझनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, उनके एक बहुत ही शीर्ष नेता हुआ करते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आज जब वो स्वर्ग में से नीचे देखते होंगे तो उनका एक भाषण मुझे याद आता है कि जो सत्ता गलत तरीके से आए उस सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, मैं रहूं या ना रहूं इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज अपने उस बयान को देखते हुए वो सोच रहे होंगे कि किन लोगों के हाथ में मैंने सत्ताएं दे दी, किन लोगों को मैं अपने पीछे छोड़ के चले गया और कैसे देश के लोकतंत्र का सर्वनाश सभी जगह किया जा रहा है। अब पार्ट टू में मैं चर्चा करना चाहूंगा वीडियो और बीपीडीओ के ड्राफ्ट को लेकर के। तो दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से पूरे राज्य में की जा रही है, उसी हत्या के बीच एक ही हमारी आस की किरण, एक ही हमारे मन में भरोसे का प्रतीक, हमारे उत्तराखंड का हाईकोर्ट, हमारी देश की न्यायपालिका, हम हाथ जोड़ करके अपने तथ्यों के साथ जल्द ही हाईकोर्ट की शरण में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका को लेकर के पहुंचने वाले हैं। और उस स्थिति में मैं आज ये बात साफ करना चाहता हूं कि मेरी ओर से जो ड्राफ्ट का फॉर्मेट था वो श्री बॉबी पवार जी को कल भेज दिया गया है, क्योंकि एविडेंस की चेन उन्हीं के पास है, वही पूरे डेटा को रखे हुए हैं, आगे की प्रोसीजर उनके एंड से ही होगा। आई एम ओनली द ड्राफ्टमैन ऑफ द पीआईएल फॉर्म। तो ये मेरी भूमिका थी, मैं, मेरे जितने भी वकील मित्र थे, हम लोग कानूनी रूप से इस मुद्दे को हैंडल कर रहे हैं, बाकी बॉबी पवार एंड
टीम का भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि जितनी मजबूती के साथ, जितनी प्रताड़नाओं के बावजूद, जितनी धमकियों को देखते हुए वो लोग बहादुरी के साथ इन लोकतंत्र विरोधी ताकतों के सामने मजबूती और दृढ़ता के साथ टिके हुए हैं। यह अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, विश्वसनीय और अकल्पनीय है। आप सभी लोगों का कीमती समय देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।